रेज टू द पावर 1/2 इंटू टू रेज टू द पावर 1/4 इंटू टू रेज टू द पावर 1/8 इंटू टू रेज टू द पावर 1/16। यहाँ देखिए सो सो सुवान अप टू इनफाइनाइट तक, यह अनंत तक जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से आप टू लिखेंगे, ये देखिए टू, यहाँ से आंसर क्या होगा, टू ही होगा। और यहाँ से देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर का जो अंश है पावर में वह वन होना चाहिए, और यहाँ से जो इसका हर है पावर का, यह दो के दो का गुणक होना चाहिए। देखिए दो दूनी चार और चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दो होगा। यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है, चाहे तीन ले सकते हैं, चाहे पाँच, कोई भी अंक हो सकता है, जो अंक होगा वही आंसर आएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट थ्री, अंडर स्क्वायर रूट थ्री, अंडर स्क्वायर रूट थ्री, सो स्वान इनफाइनाइट तक है। इसका आंसर यह थ्री ही होगा, क्योंकि यहाँ यह इनफाइनाइट तक होगा, तो इसका आंसर यह फर्स्ट डिजिट ही होगा, ये क्या होगा, थ्री। यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट 0.7 अंडर स्क्वायर रूट 0.7, स्क्वायर रूट अंडर 0.7 अंडर स्क्वायर रूट 0.7, यह इनफाइनाइट तक है, तो इसका आंसर यहाँ से जो फर्स्ट डिजिट होगा वही होगा। तो यहाँ से क्या होगा आंसर, 0.7। यहाँ से देखिए यहाँ पर यह अनंत तक नहीं है, स्क्वायर रूट 11 अंडर स्क्वायर रूट 11 अंडर स्क्वायर रूट 11 अंडर स्क्वायर 11, यह देखिए कितनी बार है। यहाँ से देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से 11 लिख देंगे फर्स्ट डिजिट 11। अब यहाँ से देखेंगे कि स्क्वायर रूट का मान कितना होता है, 1/2, और यहाँ से इस स्क्वायर रूट का मान 1/2, स्क्वायर रूट कर्ली को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, और यहाँ से इस स्क्वायर रूट का मान 1/2, ये देखिए चार बार है, तो यहाँ से चार बार स्क्वायर रूट है, तो 1/2 लिख दीजिए। यहाँ से ऊपर का ऊपर में गुणा कर लेंगे, वन होगा, और यहाँ से दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16। अब देखिए यहाँ पर 11 के पावर में यहाँ 16 आया है, एक पावर कम करके लिख दीजिए 15। यहाँ क्या करेंगे, 15 16 में से घटाएंगे 15, और इस 16 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। यहाँ देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट 2 अंडर क्यूब रूट 4 अंडर स्क्वायर रूट 2 अंडर क्यूब रूट 4 अंडर स्क्वायर रूट 2 अंडर क्यूब रूट 4, यह इनफाइनाइट तक है। यहाँ से देखिए एक सीरीज यह है, एक सीरीज यह है, और एक सीरीज यह है, तो यहाँ से इसका जो फर्स्ट अंक होगा वही उसका आंसर होगा। यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, टू होगा।